गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 22, 23 एंड 24। स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 पर आप देखोगे तो वहां पे टॉपिक है सेलिंग टेक्निक। तो आप वहां पे रीड करोगे तो आपको सेलिंग टेक्निक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे ज्यादा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट सेलिंग टेक्निक, तो सेलिंग टेक्निक में है डिफरेंट टेक्निक में है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ब्लेंडिंग एंड स्टिपलिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे पेंसिल होल्ड करने के बारे में। तो आपके पास पेंसिल है, शेडिंग पेंसिल है, लाइट डार्क। तो लाइट डार्क में शेडिंग पेंसिल में आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल यूज करना है। अगर आपके पास नहीं है तो स्टेशनरी पर अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल। तो डार्क शेड, डार्क शेड में है डार्क शेड 2B, 4B, 6B, 8B और 11B और 12B भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स ये जो पेंसिल है तो 2B पेंसिल है, तो 2B पेंसिल लाइटर है, उससे ज्यादा डार्क है 4B, उससे ज्यादा डार्क है 6B और उससे ज्यादा डार्क है 8B। वैसे ही लाइट लाइट से अगर आपको करना है तो उसमें है 2H, 4H, 6H और 8H। तो स्टूडेंट्स ये जो H सीरीज है, H सीरीज है वो लाइटर है, और जो B सीरीज है जैसे कि 2B, 4B, 6B, 8B वो डार्कर है। मींस 2B थोड़ा लाइट है, 4B उससे थोड़ा डार्क होगा, 6B यूज करेंगे और डार्क होगा और 8B यूज करेंगे और डार्क होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये पेंसिल स्कूल से दिया है तो ठीक है, वरना स्टेशनरी से ये सीरीज है आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको शेडिंग करना है प्रॉपर लाइट टू डार्क शेडिंग तो शेडिंग पेंसिल हमें कंपल्सरी हमारे पास होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम होल्ड की बात करते हैं तो आप ऐसे होल्ड करते हो, ये हुआ बिटवीन द फिंगर्स और अंडर द पाम। अंडर द पाम मतलब पेंसिल अपने हाथों के नीचे के पार्ट में होगी, आप ऐसे होल्ड करोगे और स्ट्रोक वर्क करोगे, ये हुआ स्ट्रोक, है ना। आप ऐसे भी स्ट्रोक कर सकते हो और अंडर द पाम, पेंसिल को अंडर द पाम होल्ड करोगे और फिर भी आप स्ट्रोक कर सकते हो। तो अंडर द पाम स्ट्रोक करोगे तो ज्यादा जो लीड वाला जो पार्ट है, ज्यादा जो लॉन्ग अगर आप शार्प करते हो तो ज्यादा लीड वाला जो पार्ट है वो ज्यादा यूज होगा, और बिटवीन द फिंगर्स आप होल्ड करते हो तो आगे का जो पॉइंट वाला पार्ट है वो ही ज्यादा यूज होगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक यूज करना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अंडर द पाम पेंसिल होल्ड करते हो तो अच्छा हो रहा है, या बिटवीन द फिंगर्स आप पकड़ के होल्ड कर रहे हो तो अच्छा हो रहा है। ये डिफरेंट टेक्निक आप जो सीडिंग टेक्निक है उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा होल्ड करना कौन सा बेस्ट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हैचिंग। हैचिंग मतलब आपको हैच करना है, पेंसिल को आपको लेके आना है जहां आपको कलर करना है वहां से उठाना है, आ रहा है उठ रहा है, मतलब हाथ को फ्लो करना है, सिमिलर डायरेक्शन में हाथ को फ्लो करना है, उसको कहेंगे हम हैचिंग। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में मेरा हैंड जो है वो यूज हो रहा है, मैं पेंसिल को होल्ड स्टॉप करके स्ट्रोक नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट रखने के बाद मैं खींच रहा हूँ, मेरा हैंड यूज हो रहा है, स्लोली यूज हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको ऐसे ये हुआ हैचिंग, हाथ आ रहा है और जा रहा है और स्ट्रोक करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जहां पे आपको लाइट करना है वहां पे आप लाइट हैंड यूज करोगे, जहां पे डार्क करना है वहां रिपीट करोगे तो वो पार्ट डार्क होगा, और जैसे कहा शेडिंग पेंसिल डार्क लाइट डार्क शेडिंग पेंसिल यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरा हैंड यूज हो रहा है स्ट्रोक वर्क, वैसे आपको भी घर पे प्रैक्टिस करना है शेडिंग प्रैक्टिस, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ऑलरेडी आपको ये बुक में पेज दिया हुआ है, ऑलरेडी पिक्चर भी दिया हुआ है, सिर्फ हमें हैंड प्रैक्टिस जो शेडिंग टेक्निक है वो यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइट हैंड स्ट्रोक किया, जहां मुझे डार्क करना है मैं वहां ज्यादा प्रेशर दूंगा, हैंड प्रेशर आप ज्यादा दोगे तो ज्यादा डार्क होगा। तो ये हुआ हमारा हैचिंग। तो हमने हैचिंग टेक्निक से ये फर्स्ट जो हेड है उसको हमने कंप्लीट किया है। सेकेंड में हम करेंगे क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग मीन्स फर्स्ट एक सिमिलर डायरेक्शन में जाना है, फिर सेकेंड टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आना है।
जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हैचिंग हैंड मूवमेंट, मैंने होल्ड किया है अंडर द पाम चॉप और मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ, हैच कर रहा हूँ, हैच करते हुए आगे बढ़ के जा रहा है सिमिलर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वर्टिकल में यहाँ पे हम डायगोनल डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने हैच किया, ऑपोजिट साइड से हैच कर रहे हैं। ये हुआ सबसे पहले हैचिंग, उसके बाद हम ऐड करेंगे क्रॉस हैचिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हैचिंग ऐड कर दिया है, अभी हमें यूज करना है क्रॉस हैचिंग, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस हैचिंग करते हुए आएंगे। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप जब हैच कर रहे हो तो जहां भी डिस्टेंस आपका जो बढ़ेगा वहां पे वो पार्ट लाइट दीजिएगा, जो क्रॉस हैच हो रहा है वहां पे जो पास पास में हैच हो रहा है, जो जॉइंट कनेक्ट हो रहा है वो पार्ट डार्क दिखेगा, अगर वही क्रॉस पार्ट में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वो पार्ट लाइट दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रॉस हैचिंग किया है, सेम है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, अपनी जो आर्ट बुक है स्केच बुक उसमें भी आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है उसमें भी आपको ड्रॉ करना है। थर्ड है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मीन्स उसको ब्लर करना, ब्लर करना मीन्स आप फिंगर भी यूज कर सकते हो, कॉटन भी यूज कर सकते हो, है ना, या तो फिर कोई क्लोथ हो तो कोई क्लोथ कोई पार्ट को आप पकड़ के उसके ऊपर ब्लेंड कर सकते हो, ब्लेंड करोगे मीन्स मिक्स हो जाएगा, आपका जो पेंसिल का स्ट्रोक है वो स्ट्रोक नहीं दिखेगा, वो मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं पेंसिल चॉक, ये मैंने यूज किया, अगर मुझे इसको ब्लर करना है तो मैं फिंगर यूज कर सकता हूँ, या तो फिर कॉटन या तो फिर क्लोथ, उसको आप धीरे धीरे रोल करोगे तो ये ब्लर होता जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मेरा पेंसिल जो स्ट्रोक था वो अभी नहीं दिख रहा है, ये अभी थोड़ा सा ब्लर हो गया है, सेम है, वापिस आप पेंसिल स्ट्रोक करोगे, पेंसिल स्ट्रोक करना है उसके बाद उसको ब्लर करना है, ब्लर करना, ब्लेंडिंग करना मीन्स ब्लर करना, मिक्स करना, तो आप क्लोथ लेकर या कॉटन से आप उसके ऊपर ब्लर कर सकते हैं, ऐसे रोल करोगे अपने आप वो मिक्स होता जाएगा, तो आपका जो पेंसिल स्ट्रोक है वो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं और वो ब्लेंडिंग हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। सेम है यहाँ पर हमें डार्क करना है तो हम डार्क स्ट्रोक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कम ब्लर करेंगे कम यूज करेंगे, ये पार्ट डार्क दिखेगा। हाँ सर, इसके बाद अगर आपको लाइट पार्ट नहीं दिख रहा है तो आप जो इरेजर है, इरेजर से आप कहीं कहीं पर अगर यूज करोगे इरेजर, कहीं जहां पर आपको लाइट पार्ट चाहिए वो लाइट पार्ट के लिए आप यूज करोगे तो वो अपने आप को लाइट से लाइट टोन आपको दिखेगा। लास्ट है स्टिपलिंग, स्टिपलिंग में क्या है, हमें डॉट करना है, पेंसिल को होल्ड करना है स्ट्रेट और पास पास में डॉट करना है, करते हुए आगे बढ़ना है, तो जहाँ पास पास में डॉट कर रहे हो ज्यादा ओवरलैप हो रहा है वो पार्ट आपको डार्क दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा पास पास में है तो वो पार्ट आपको डार्क दिखेगा, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे डॉट का स्पेस, डॉट की उसमें स्पेस बढ़ेगी वैसे वैसे वो पार्ट लाइट दिखेगा, तो जहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है, जहाँ पास पास में है डॉट्स वो पार्ट आपको डार्क दिख रहा है, और जहाँ पे स्पेस डॉट का स्पेस जहाँ बढ़ रहा है, जहाँ ज्यादा स्पेस है डॉट को ज्यादा स्पेस मिल रहा है वो पार्ट लाइट दिख रहा है, जहाँ ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, जहाँ स्पेस बहुत कम स्पेस हमने रहने दिया है, ज्यादा हमने ओवरलैपिंग किया है तो वो पार्ट हमें डार्क दिख रहा है। सेम है जहाँ जहाँ पे भी स्टिपलिंग करोगे, जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ ज्यादा ओवरलैपिंग करोगे, जहाँ हमें पार्ट को लाइट रखना है तो वहाँ हम स्पेस बढ़ाएंगे डॉट करते हुए तो वो पार्ट लाइट दिखेगा। इसलिए हमने पहले भी जो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में है प्रीवियस ईयर्स में आपने ये वर्क किया हुआ है स्टिपलिंग वर्क, जहाँ ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, जो एरिया ज्यादा कवर कर रहे हो, जहाँ ज्यादा पास पास में ओवरलैपिंग हो रहा है डॉट्स का वो पार्ट डार्क दिखेगा, और जहाँ जहाँ स्पेस डॉट में स्पेस बढ़ता जा रहा है वो पार्ट हमें लाइट दिखेगा। स्टूडेंट्स ये आपको ऐसे स्टिपलिंग करके पास पास में डॉट्स करते हुए ये पेज आपको कंप्लीट करना है। तो पेज नंबर 23 पर आपको ये हैच दिया हुआ है, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हैचिंग करना है, और नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर आप चेक करोगे तो आपको सिर्फ का एक फोटो दिया हुआ है जो पर्सपेक्टिव पिक्चर है, पर स्टूडेंट्स आपको ये फ्रेम मैंने यहाँ पे आपको क्रॉस हैचिंग करके दिया, हैचिंग करके दिखाया है, क्रॉस हैचिंग करके दिखाया है, तो डिफरेंट टाइप में आपको अच्छी तरह पेंसिल को होल्ड करना है और फिंगर यूज करना है, स्ट्रोक वर्क करना है, पेंसिल को स्ट्रोक हैंड यूज करना है, स्ट्रोक
अंडर द पाम आप होल्ड कर सकते हो या बिटवीन द फिंगर्स आप पेंसिल को होल्ड करके ये प्रैक्टिस करना है। ये पेज जो है ये आपको कंप्लीट करना है विथ पेंसिल शेडिंग। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगर पेंसिल शेडिंग नहीं है, शेड पेंसिल नहीं है, शेडिंग पेंसिल 2B 4B 6B 8B ये पेंसिल स्टेशनरी पर अवेलेबल होती है, स्टूडेंट्स आपको ये परचेस करना है और अपने पास रखकर इसको यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स।